दोस्तों, चटपटा खाना किसको पसंद नहीं होगा, है ना? चटपटे खाने में मिर्च के अलावा इन्हें दूसरे स्पाइस भी होते हैं। ऐसे में ज्यादा तीखा खाने पर आंख और नाक से पानी बहना, मुंह में ज्यादा लार बनना या कानों में जलन होना, ये सब तो आम अनुभव है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा होने के पीछे क्या है वजह? अगर सोच लिया है तो जान के जाइए कि इसके पीछे का असली फैक्ट क्या है। दरअसल कैप्सेसन नाम के एक केमिकल कंपाउंड होता है जो ज्यादातर उन प्लांट्स में पाया जाता है जो जीन्स कैप्सिकम फैमिली के होते हैं। ये कंपाउंड हर तीखे मसाला में ही पाया जाता है। यही कैप्सेसिन जीभ, कान और नाक में जलन की वजह होता है, जिस कारण आंसू बहने लगती है। कैप्सेसिन के कारण होने वाली जलन के चलते इरिटेशन होती है और बॉडी इस इरिटेशन से मुक्ति पाने के लिए फाइट करती है। कैप्सेसिन के कारण बॉडी में म्यूक्स बढ़ने लगता है और बॉडी इस म्यूक्स को नाक के जरिए बाहर निकालने लगती है, जिससे नाक भी बहने लगती है। जलन के कारण बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और बॉडी अलग अलग अंगों में होने वाली जलन को शांत करने के लिए काम करने लगती है। यही वजह है कि ज्यादा तीखा खाने के बाद हमारा मुंह लार से भर जाता है। मसाले खाने के बाद कैप्सेसिन से हमें जलन तो जरूर होने लगती है, लेकिन ये मसाला हमारी हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, बल्कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। इससे आंखें और नाक की अंदरूनी सफाई भी हो जाती है। आपको ऐसा खाना कभी कभी सिर्फ अपनी बॉडी में म्यूकल ब्लॉकेज को दूर करने के लिए भी खाना चाहिए।